हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इस मौके पर आपके साथ शेयर करूंगी ट्राई कलर केक की डिजाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले से केक स्पंज रेडी करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम स्पंज को थ्रेड या नाइफ की मदद से दो या तीन अपनी पसंद के अनुसार लेयर्स में कट कर लेते हैं। इसके बाद केक की आइसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केक बेस पे थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम लगा के उस पे केक की फर्स्ट लेयर को रखते हैं। इसके बाद इसे शुगर सिरप से अच्छे से सोक कर लेते हैं। सोक करने के बाद इस पे व्हिपिंग क्रीम डाल के इसे पूरे लेयर पे अच्छे से फैला लेते हैं। व्हिपिंग क्रीम की लेयर अच्छे से फैला लेने के बाद हम इसके ऊपर अपनी पसंद के अनुसार क्रश की लेयर लगाते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश का यूज किया है। क्रश को अच्छे से फैला लेते हैं। केक की लेयरिंग हो जाने के बाद केक के सबसे नीचे के लेयर को हम केक के आइसिंग के समय सबसे ऊपर रखते हैं। इससे हमारे केक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। केक पे व्हिपिंग क्रीम लगाते हुए इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे। केक की क्रम कोटिंग हो जाने के बाद हम इसे 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अब हम दो बॉल में व्हिपिंग क्रीम लेंगे, एक में ऑरेंज कलर और एक में ग्रीन कलर मिलाएंगे। कलर को व्हिपिंग क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाद हम ग्रीन और ऑरेंज दोनों कलर की व्हिपिंग क्रीम को पाइपिंग बैग में भर लेंगे। इस तरह से ग्रीन, ऑरेंज और व्हाइट कलर के व्हिपिंग क्रीम को पाइपिंग बैग में भर के तैयार कर लिया है। इसके बाद हम तीनों पाइपिंग बैग के टिप को थोड़ा मोटा करके काट लेंगे। इसके बाद एक स्टार नोजल को पाइपिंग बैग में डालते हैं। इसके बाद एक एक करके तीनों पाइपिंग बैग को इसमें डाल देते हैं। तीनों कलर की पाइपिंग बैग को हाथ से सेट कर लेंगे। इसके बाद अपने पसंद के अनुसार डिजाइन बनाएंगे। 15 मिनट बाद केक को फ्रिज से बाहर निकाल के इसकी फाइनल कोटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पाइपिंग बैग की हेल्प से अच्छे से केक पे व्हिपिंग क्रीम लगा लिया है। पाइपिंग बैग की मदद से हम बहुत कम समय में अच्छे से क्रीम लगा सकते हैं। इसके बाद हम स्पैचुला की मदद से इसकी अच्छे से फाइनल कोटिंग कर लेते हैं। अच्छे से फाइनल कोटिंग हो जाने के बाद हम एक ताश की मदद से इसे पूरा प्लेन कर लेंगे। इसके बाद जो हमने पाइपिंग बैग रेडी की थी उसकी मदद से केक पे रोज बना लेंगे। उसी पाइपिंग बैग की मदद से रोज के बीच में जो खाली जगह है वहाँ पे छोटे छोटे स्टार बना लेंगे। उसी स्टार नोजल या दूसरी पसंद के नोजल का यूज करते हुए केक के नीचे बॉर्डर बना लेंगे। रोजेस के बीच में एक एक गोल्डन मोती डाल के इसे सजा लेंगे। केक के सेंटर पर भी मैंने गोल्डन मोती से सजा लिया है। सबसे लास्ट में मैंने इस पे थोड़ा सा गोल्डन वर्क लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। ये तैयार है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल केक। आपको ये केक डिजाइन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।